ओके तुम्हारा केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं आईसीएसई का। केमिस्ट्री क्या जानते हो केमिस्ट्री के बारे में बताओ दिग्विजय। दिग्विजय दिग्विजय केमिस्ट्री हाँ सर, के बारे में क्या जानते हो बताओ। कुछ मालूम होगा केमिस्ट्री के बारे में। तुम अकेले ही हो क्लास में और कोई नहीं आने वाला। क्या जानते हो थोड़ा कुछ जानते हो जो कुछ बताओ मुझे बताओ। केमिस्ट्री के बारे में तुम्हें क्या पता है केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री में एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, अच्छा फिर केमिस्ट्री मतलब है क्या केमिकल्स। किसके बारे में हम स्टडी करते हैं। केमिकल्स के बारे में। गुड यहाँ पे वही देखने वाले हैं। मैं शुरुआत वही से करने वाला था और तुमने वही पॉइंट्स को यहाँ पे ले लिया। स्टडी ऑफ केमिकल्स स्क्रीन दिख रही है। हाँ स्टडी ऑफ केमिकल्स साइंस की नोटबुक नहीं बनानी। नहीं वो मैं बताऊंगा अभी अभी यहाँ पे ध्यान दो ना। स्टडी ऑफ केमिकल इज कॉल्ड एज केमिकल केमिस्ट्री ठीक है। और ये क्या है ब्रांच है किसकी कौन से सब्जेक्ट की ब्रांच है ये। साइंस की साइंस की ब्रांच है। तो और कौन कौन सी ब्रांच है साइंस में। बायोलॉजी एंड फिजिक्स। बायोलॉजी एंड फिजिक्स। चलो इतना तुम्हें मालूम है। हम बारी बारी सब पढ़ने वाले हैं। ये कोई मतलब छोटी कोई छोटा ब्रांच नहीं है बहुत बड़ा ब्रांच है बराबर। तो हम सिर्फ क्लास 9 के लेवल तक पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए। जैसे हम मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स पढ़ने से पहले हम टेबल्स 1 to 100 उनको नंबर्स में वर्ड्स में लिखना सीखते हैं। वैसे केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको एटम के बारे में पता होना चाहिए। फिर एटम को पढ़ने के बाद हम एलिमेंट पे जाएंगे। एलिमेंट के बाद हम मॉलिक्यूल्स के बाद मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। फिर कंपाउंड और फिर मिक्सचर। इसी में आपका एसिड बेस सब आ जाएगा कंपाउंड्स वो सारा कुछ आ जाएगा ठीक है। बट ये जनरली मतलब रफली यही सीक्वेंस रहता है। अच्छा अब एटम जानते हो एटम किसे कहते हैं। देखो तुम बोलोगे नहीं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। दिग्विजय नो सर, नो सर, एटम के बारे में कुछ जानते हो। नहीं नो। अच्छा ओके देखो बता देता हूँ एटम क्या होता है। जैसे आपने हमारा जो घर होता है ठीक है हमारे घर में चार दीवारें होती हैं जिसके अंदर हम रहते हैं बराबर। ये जो वॉल्स हैं दीवार हैं वो किससे बनती हैं। सीमेंट से, ब्रिक, और किससे बनती है। ब्रिक से। ब्रिक से बनती है। फाइन चाहिए ब्रिक से बनती है। वैसे ही जैसे पूरे वॉल्स का यूनिट पूरे वॉल्स किससे बनी हुई है ब्रिक से बनी हुई है ठीक है। वैसे इस दुनिया में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं नॉन लिविंग थिंग्स वो सारे किसमें से बने हुए हैं एटम।
यहाँ पे ब्रिक्स तो हमें अपनी आंखों से दिख जाती है, बट एटम तो इतना छोटा होता है कि हमें अपने आंखों से दिखता भी नहीं है। मतलब आप चाहे कुछ भी ले लो, प्लास्टिक ले लो, पत्थर ले लो, फिर ये आपने ब्रिक्स ले लिया, कोई भी स्टोन ले लिया, कुछ भी नॉन लिविंग थिंग्स ले लिया, आप उसको तोड़ कर इतना छोटा करोगे, तोड़ 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 के, मतलब एक लेवल तक चले जाओगे कि उसमें से क्या निकलेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे। उन पार्टिकल्स को भी तोड़ोगे तो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, बिल्कुल एकदम फाइन पार्टिकल्स मिलेंगे, और वो फाइन पार्टिकल को भी आप तोड़ोगे तो आपको आपके आंखों से नहीं दिखने वाले कुछ पार्टिकल्स मिलेंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम। मतलब सारी चीजें आपस में, सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स आपस में किससे बनी हुई है, एटम से बनी हुई है। जो कुछ भी आप नॉन लिविंग थिंग्स यूज कर रहे हैं, जो कुछ भी गैसेस हैं, सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, उनका लास्ट मॉलिक्यूल, मतलब जो एक उनका बेसिक सा मॉलिक्यूल है, जैसे घर बनाने के लिए ईंटें चाहिए, वैसे नॉन लिविंग थिंग्स बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एटम। एटम होना चाहिए। ओके, अभी तक हमारे पास कितने एटम्स हैं, वन वन हंड्रेड वन एंड नाइन नाइन वन वन नाइन तक एटम्स हमने डिस्कवर कर लिए हैं या डिस्कवर हो चुके हैं। बट देखो, आपको क्लास 12 तक की जो केमिस्ट्री पढ़नी है, आप क्लास 12 तक की जो केमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें आपको मोस्टली 1 से 20 एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। 1 से 20 एलिमेंट आपको पता ही होना चाहिए, उनके नेम, उनका सिंबल, उनकी वैलेंसी, वो सब पता होना चाहिए। अगर आपको 1 से 20 एलिमेंट पता है, उनकी वैलेंसी सब कुछ जानते हो आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, केमिस्ट्री आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे, हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 से 20 एलिमेंट्स ही हम पढ़ेंगे, इससे आगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अभी हम एटम के बारे में थोड़ी स्टडी कर लेते हैं, ध्यान से देखना। एटम दिखने में कैसा होता है, एटम दिखने में एक स्फेरिकल शेप होता है। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी बोला है कि एटम है वो फुटबॉल की ग्राउंड की तरह होता है। जैसे फुटबॉल ग्राउंड के अंदर फुटबॉल को हम कहाँ पे रखते हैं, सेंटर में रखते हैं, राइट। वैसे एटम के पास भी क्या होता है, एक सेंटर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। अब हमने क्या किया कि हमारी स्टडी हमने, मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होगा वो हमने, मतलब क्यूरियसिटी बढ़ी हमारी कि भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, तो हमने क्या किया कि न्यूक्लियस को भी जूम करके देखा। तो जैसे मान लिया कि ये आपका एटम है, हमने क्या कर दिया, न्यूक्लियस को बाहर जूम किया और न्यूक्लियस के अंदर देखा, तो न्यूक्लियस के अंदर है ना, ऐसे दो दो पार्टिकल्स के ग्रुप बने हुए थे, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे दो दो पार्टिकल्स के ग्रुप बने हुए थे। तो हर एक ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलेंगे, क्लियरेंस। न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर है। उसमें एक पार्टिकल है, वो दूसरे पार्टिकल के साथ बाइंड करके बैठता है हमेशा, मतलब जोड़ी बना के, ग्रुप बना के बैठता है। क्या दोनों पार्टिकल सेम है, नहीं, दोनों पार्टिकल सेम नहीं होते हैं। जो ब्लू वाला पार्टिकल है उसका नाम क्या है, न्यूट्रॉन, और जो रेड पार्टिकल है उसका नाम क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ठीक है। जो ब्लू पार्टिकल है उसका नाम न्यूट्रॉन और जो रेड पार्टिकल है उसका नाम प्रोटॉन। प्रोटॉन से याद आया, प्रोटॉन से पी, पी से याद आया प्लस। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, किसके ऊपर, प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन का मतलब होता है न्यूट्रल, मतलब नो चार्ज, इसके ऊपर कोई भी चार्ज होता नहीं है, नहीं। ठीक है। अच्छा, तो अब मैं फिर से एक बार बता दूं, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, एटम के अंदर
कहा गया कर्सर, हाँ, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन था, न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियॉन्स दो पार्टिकल से बना था, किस किस से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। एंड न्यूट्रॉन, गुड। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, कोई भी चार्ज होता नहीं, देखो नाम से दिखा रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, प्रोटॉन पॉजिटिव, ठीक है, नाम से आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे है ना एक और भी पार्टिकल होता है जो न्यूक्लियस के आजू बाजू में घूमता रहता है, इधर न्यूक्लियस के आजू बाजू में घूमता रहता है, जैसे जैसे हमारी अर्थ है वो सन के आजू बाजू में घूमती रहती है ना, वैसे यहाँ पे न्यूक्लियस के आजू बाजू में है ना एक पार्टिकल घूमता रहता है और उस पार्टिकल का नाम, इस पार्टिकल का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि एटम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में उसके आजू बाजू में सराउंड में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये हमने बेसिक सी बातें पढ़ी एटम के बारे में, क्लियर हुआ। एक बार फिर से मैं समराइज कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एटम को हमने फुटबॉल की ग्राउंड की तरह आपको एज्यूम करना है, जैसे फुटबॉल ग्राउंड के अंदर आपको फुटबॉल आप सेंटर में रखते हो, वैसे यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर दो 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 पार्टिकल्स की ग्रुपिंग होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस में जो एक मॉलिक्यूल या एक पार्टिकल है उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, और एक पार्टिकल का नाम है प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियस के आजू बाजू में एक और पार्टिकल घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, जैसे हमारी अर्थ है वो सन के आजू बाजू में घूमती है, उस पार्टिकल का नाम है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इतनी बातें हमने कवर की, इतना कुछ। यहाँ पे कुछ डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, दिग्विजय, नो सर। नहीं ना, ओके ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखना, जैसे आज तक अभी ऐसा कभी कभी हुआ है कि जब सोलर सिस्टम होती है, आपने देखा होगा सोलर सिस्टम के अंदर कोई भी पार्टिकल है, मतलब जैसे ये सन है, तो सन के आजू बाजू में कौन घूम रहा है, सबसे पहले मरक्यूरी है, फिर और कोई प्लैनेट घूमेगा, विनस, फिर यहाँ पे कौन, मार्स, मुझे ऑर्डर मालूम नहीं है, मैं सिर्फ मतलब ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे कौन, अर्थ। तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब अर्थ घूमते घूमते मार्स के ऑर्बिट में चली गई हो, कभी ऐसा नो होता है, दिग्विजय, यस सर। कभी ऐसा होता है कि वीनस है वो मर्क्यूरी के ऑर्बिट में चला गया हो, नो ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलता है, मतलब कोई भी पार्टिकल है वो अपना रास्ता छोड़कर दूसरे पार्टिकल के रास्ते में नहीं जाता है, इतनी बात क्लियर है, मतलब यहाँ पे क्या है, हर एक पार्टिकल का अपना रास्ता, हर एक पार्टिकल का अपना रास्ता कैसा है, पर्सनल पाथ फिक्स है, या पर्सनल बोल सकते हो आप, फिक्स पाथ है, और उस फिक्स पाथ को हम क्या बोलते हैं, परमिट। ऑर्बिट। ऐसे कितने रास्ते हैं हमारे पास एटम के अंदर, √1 से लेकर √3, √3, √4,
रूट फाइव, रूट सिक्स और रूट सेवन, बट हम जनरली यहाँ तक पढ़ते हैं, हम फाइव सिक्स सेवन ऑर्बिट को नहीं पढ़ते हैं। हम मोस्टली ऑर्बिट वन, ऑर्बिट टू, ऑर्बिट थ्री और ऑर्बिट फोर तक मुश्किल से जाएंगे, ठीक है। अब इनको बार बार हम ऑर्बिट वन, ऑर्बिट टू नहीं बोलेंगे, इनको खास नाम दे दिया गया है जे ऑर्बिट, इसको नाम दिया है के ऑर्बिट, इसको नाम दिया है एल ऑर्बिट और इसको नाम दिया है एम ऑर्बिट, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा ठीक से बना रहा हूँ। यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गई, ये सेकंड ऑर्बिट हो गई, थर्ड ऑर्बिट हो गई और ये फोर्थ वाली ऑर्बिट हो गई। इसका नाम क्या दिया था हमने, जे के एल और एम। क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके, तो एटम के पास कितनी ऑर्बिट होती है मैक्सिमम? चार। मैक्सिमम ऑर्बिट कितनी होती है एटम के पास? सात। बट हम कितनी पढ़ते हैं? चार। चार ही पढ़ते हैं। चारों का नाम कैसे दे दिया हमने, जे के एल एम, ठीक है। ओके, और ये ऑर्बिट में कौन घूमता है? ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। अच्छा, क्या कुछ ऐसा डिसाइड किया गया है कि मतलब जे वाली ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन को घूमना है, के वाली ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन को घूमना है, ऐसा कुछ फिक्स किया है क्या? या मतलब कोई भी ऑर्बिट में कितने भी इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, कुछ फिक्स होगा या मतलब रैंडमली कुछ भी होगा? फिक्स होगा। फिक्स होगा, गुड। यहाँ पे कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन को भरना है वो भी फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, जे जो ऑर्बिट है उसमें आप सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन को भर सकते हो। के ऑर्बिट है उसके अंदर हम आठ इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। एल ऑर्बिट है उसके अंदर हम 18 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। और जो एम ऑर्बिट है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, बराबर। बट ये तो बात हुई थियरी की, बात हुई थियरी भाई। आप देखो L और M के अंदर आप इतने इलेक्ट्रॉन भरोगे तो ये तो एटम कैसा होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें तो दो ही भरते हैं, इसमें भी हम 8 इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे और इसमें हम 16 इलेक्ट्रॉन भरेंगे ताकि एटम हमारा स्टेबल रहे। आ गई बात समझ में? समझ में आया दिग्विजय? यस सर। अच्छा, तो अब मैं पहले वाले इलेक्ट्रॉन में कितने डॉट रखूं, यहाँ पे 1 और 2, ठीक है। दूसरे वाले में कितने रख सकते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और यहाँ पे बाहर में कितने भरेंगे हम, 16 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी प्रैक्टिकल ये वाली बात हुई थी, ठीक है। जो ऑर्बिट, जो रास्ता या जो पाथ है वो लास्ट में रहता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी ऑर्बिट लास्ट में है दिग्विजय? एम। एम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस ऑर्बिट,
वैलेंस, ठीक है, यहाँ पे कौन सी ऑर्बिट वैलेंस है? एम ऑर्बिट, एम ऑर्बिट वैलेंस है। कितनी बात क्लियर हुई? अब तुम फटाफट जल्दी से मुझे 2 मिनट के अंदर तुम्हें एटम के बारे में कितना समझ में आया मुझे जल्दी से बता दो फटाफट। स्टार्टिंग से जैसे मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया वैसे तुम मुझे फटाफट जल्दी से एक बार एक्सप्लेन कर दो, मैं वापस सारी नोट्स लेके आ रहा हूँ। देखो हमने इस पेज के ऊपर क्या डिस्कस किया था, सर दीवार जैसे ब्रिक से बनता है वैसे एटम भी, नहीं नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर एटम्स होते और एटम्स के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियंस के अंदर भी एटम के न्यूक्लॉन्स होते। एक मिनट आराम से, एटम के अंदर न्यूक्लियस होते हाँ और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन होता है। न्यूक्लियॉन्स के पहले पार्टिकल का नाम, पहले पार्टिकल का नाम प्रोटॉन और दूसरे पार्टिकल का नाम न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन के नो चार्ज। नो चार्ज, ओके। फिर और जो न्यूक्लियस के आगे पीछे ऑर्बिट की तरह ऑर्बिट में घूमता है उसे इलेक्ट्रॉन और उसके नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, फिर आगे क्या पढ़ा हमने? फिर सर ऑर्बिट ऑर्बिट का फिक्स पाथ होता है और उसके सेवन ऑर्बिट होते हैं, मैक्सिमम ऑर्बिट आर सेवन एंड हम फर्स्ट फोर ऑर्बिट पढ़ेंगे उसमें हम नाम दे देते हैं जे के एल एम। ओके गुड। फिर जे के अंदर टू एलिमेंट, के के अंदर एट इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन और एल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन और एम के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, प्रैक्टिकली कितने पढ़ते हैं हम? प्रैक्टिकली जे में 2 इलेक्ट्रॉन, के में 8 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड एम में 16 इलेक्ट्रॉन। ओके, और एम इलेक्ट्रॉन को वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं। वैलेंस ऑर्बिट किसको कहेंगे हम? एम, एम ऑर्बिट। जरूरी है एम ऑर्बिट या कोई लास्ट में रहेगी उसको बोलेंगे? आज जो लास्ट में रहेगी उसको, ठीक है, जो भी ऑर्बिट लास्ट में रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे? वैलेंस ऑर्बिट बोलेंगे। अच्छा चलो, ये मतलब अभी तुम्हारा एटम के पीछे का कंसेप्ट क्लियर हुआ। मैंने क्या बताया था कि हमारे पास टोटल 1 से लेकर 119 एटम की या एलिमेंट्स की क्या हो गई है? डिस्कवरी हो गई है, राइट? बट हमें उसमें सिर्फ कितने पढ़ने हैं? फर्स्ट ट्वेंटी ही पढ़ने। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका सिंबल, सिंबल क्या है इसका? सिंबल एच। और ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर 1 और इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास कितना होता है? यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना उसको डबल कर देना है, मल्टीप्लाई 2 कर देना है। कितना आएगा? 2। यहाँ पे मैं एक स्टार लगा के रख रहा हूँ, ये स्टार इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं आगे जब पढ़ाऊँगा, जब मैं तुम्हें आइसोटॉप वाला कंसेप्ट पढ़ाऊँगा तब हम वापस इस स्टार के ऊपर आएंगे और कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी स्टार को क्वेश्चन मार्क ही रहने दो, ये स्टार हमने क्यों किया, ठीक है?
तो यहाँ पे हाइड्रोजन का सिंबल समझ में आ गया। अब ये देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बहुत बड़े बड़े देखो यहाँ पे बहुत सारे स्पेलिंग आपको लर्न करने पड़ेंगे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है। तो इससे अच्छा हम क्या करें, इसके लिए सिंबल यूज़ कर लें। एटॉमिक नंबर को हम जेड से दिखाएंगे और एटॉमिक मास को हम ए से दिखाएंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन का सिंबल हमने देख लिया एच, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एटॉमिक मास। तो मुझे दिखाना हो हाइड्रोजन का सिंबल दिखाना, तो मैं कैसे लिखूँगा, हाइड्रोजन का एच और इसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास। अब समझ में आया, जैसे मेरे पास कोई एलिमेंट है, कोई एटम है, मुझे मालूम नहीं है, जैसे मान लिया कि कोई डी नाम का कोई एलिमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा और नंबर कितना होगा। एटॉमिक मास 6 होगा और एटॉमिक नंबर 3 होगा, ठीक है, ओके, चलो समझ में आ गया। अब एक बात ध्यान रखना, जितने यहाँ पे एटॉमिक नंबर है ना, उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही नंबर में प्रोटॉन होंगे और उतने ही नंबर में न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। जैसे जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, उतने इलेक्ट्रॉन, उतने प्रोटॉन और उतने ही न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 3। एटॉमिक मास कितना है, मास 2 है, फिर स्टार करके चलेंगे हम इसको, ठीक है। इसका एटॉमिक मास 1 ही है, बट मैं भी स्टार्ट करके चल रहा हूँ। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितना जेड होगा उतना इलेक्ट्रॉन, उतना प्रोटॉन, उतना न्यूट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन होगा। चलो एक काम करते हैं, अब हाइड्रोजन के एटम ड्रॉ करते हैं। एटम अभी सिखाया था मैंने, एटम एक फुटबॉल ग्राउंड की तरह होता है, बीच में एक न्यूक्लियस रहेगा उसका, यहाँ पे इसकी फर्स्ट ऑर्बिट होगी, यहाँ पे इसकी सेकंड ऑर्बिट होगी और यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट होगी, ठीक है। इसका नाम दे दिया हमने के, एल, एम और एन। के में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एल में, एल में 8, एम में फिजिकली, हाँ हमें प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली लेके चलना। के में 2 थे, एल में 8, एम में 8 और एन में 16, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। और ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो कहाँ पे होंगे, न्यूक्लियस के आजू बाजू में होंगे या न्यूक्लियस के अंदर होंगे, न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड, ठीक है। तो हमें इनको तो ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बात रही इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे देखो शुरुआत आपको यहाँ से ऐसे ही जाना है, पहले के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। तो जो एक ही इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला जाएगा, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या फिर 0, 0 और 0। तो मैंने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, आई बात समझ में, दिग्विजय? यस सर। अब
अब हम हीलियम की बात कर रहे हैं, सेकंड नंबर कौन है? हीलियम। हीलियम का सिंबल क्या है? एच ई। इसका एटॉमिक नंबर है 2। एटॉमिक मास इसका डबल 4। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2। जितना ये होगा उतना ही ये होता है, मतलब 2। ठीक है, अभी वापस हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट। हीलियम की बात करें तो यहाँ पे के, एल, एम और एन, कितने थे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन? 2, 8, 16। यहाँ पे कितने हैं इसके पास? 0, 0, 0। मैं कहाँ पे रखूँ इसको? फर्स्ट ऑर्बिट पे रखूँ? ये तो न्यूक्लियस है हमारा, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलो अब थर्ड वाला तुम बताओगे, थर्ड का नाम क्या है? लिथियम। इसका सिंबल है Li। इसका एटॉमिक नंबर 3 और एटॉमिक मास है 6। इसके ए पी एन कितने होंगे देख विजय? 2। आवाज सुन पा रहे हो? हाँ सर। इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। प्रोटॉन 3। ओके, यहाँ पे न्यूक्लियस आ गया, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और यहाँ पे फोर्थ ऑर्बिट। अच्छा, लिथियम की बात करें हम तो लिथियम में वापस के बताओ किसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? K में 2, L में 8, M में 8 और N में 16। यहाँ पे कितने हमारे पास? 3 इलेक्ट्रॉन। तो पहले में कितने आ गए? 2। अभी एक बचा, वो किसमें जाएगा? सेकंड वाला। तो इसको मैं कैसे ड्रॉ करूं? पहली ऑर्बिट में 2 आ गए और दूसरी ऑर्बिट में 1 आ गया, ठीक है। चलो फोर्थ नंबर, बेरिलियम, सिंबल है इसका Be। अब तुम सब कुछ बताओगे मुझे,
लिख भी जाए। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? फोर, प्रोटॉन फोर, न्यूट्रॉन भी फोर। ओके यहाँ पे क्या लिखूँ मैं? बेरिलियम का बी ई, वापस के 11, कितना था यहाँ पे? टू एट 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 सिक्स, कितना लिखूँ यहाँ पे? एट पहले में कितने आएंगे? दो और दूसरे में भी दो, बाकी सब में जीरो। हाँ तो ये आपका हो गया यहाँ पे। ठीक है, ओके लास्ट करेंगे हम। बोरॉन, एटॉमिक नंबर कितना होगा? इसका एटॉमिक नंबर लिख भी जाए। यस सर, कितना होगा एटॉमिक नंबर? फाइव। और एटॉमिक मास? टेन। इलेक्ट्रॉन? फाइव। प्रोटॉन? फाइव। बोरॉन का भी के एल एम और एन, वैल्यू बताओ जल्दी से। के में टू एट एट सिक्सटीन। ओके इसमें कितने आ जाएंगे? फर्स्ट में दो, बाकी बचे तीन। हाँ वो सेकंड में और एम आर एन में जीरो जीरो जीरो। ये तो हमारा न्यूक्लियस था एक दो तीन चार और पाँच। ठीक है, आज के दिन के लिए हम सिर्फ यहाँ बोरन तक ही जाते हैं। ठीक है, कल हम आगे पढ़ेंगे बोरॉन से लेकर 20 नंबर तक कैल्शियम तक। ठीक है, मीटिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल 4 बजे वापस फिर से रेडी रहना सर। सुबह में आना है ना सर? कहाँ पे? क्लास में। हाँ सुबह में तो आपका जो है वही का वो तो रहेगा ही, और शाम को तुम्हारा अलग से होगा, तुम्हारा पर्सनल अकेले का होगा। ओके हाँ।